तेरे बाप को बोल कि तेरे को मारे, वरना अब मैं तेरे बाप को फुल एंड फाइनल टपका डालेगी। ये लीजिए, ये औरत जो कह रही है पीस कर लीजिए। आप जानते हैं ना, ये औरत एकदम पागल है, एकदम साइको, कुछ भी कर सकती है। डैड प्लीज होल्ड दिस एंड हिट मी। डैड कम ऑन हिट मी। ए क्या रे, ऐसे कड़क हाथ से मारने का ही बोले तो जोर से। अरे इससे ज्यादा जोर से तो मेरा धोबी मेरा कपड़ा धोता है। चल चल मार मार मार, आनी रुकने का नहीं, मार मार के एक एक कतरा निकाल दे इसके खून का। ए सुनाई नहीं देता है क्या तेरे को? अभी ना मैं तीन तलक गिनती करेगी और दो बोलना तो मेरे को आता ही नहीं है। एक। Dad, Dad, just hit me harder. Hit me harder, please. मार, और मार। नहीं, मैं और नहीं मार सकता अपने बेटे को। I'm not doing this. Dad, hit me, come on. मारिए मुझे, Dad, please. No, I can't do this. अगर तू इसको नहीं मारेगा ना, तो चाइल्ड मैं इसको मारना चालू करेगी। फिर कोई माइकल लाल मेरे को तो नहीं रोक पाएगा। मार। डैड मैं जानता हूं आप ये नहीं कर सकते, आप प्यार करते हैं मुझसे, बट यू हैव टू डू इट, आपको मुझे मानना पड़ेगा। हम एक दूसरे को नहीं खो सकते डैड। नहीं अभी ये नहीं होगा मुझसे। डैड प्लीज हिट मी, कम ऑन डैड हिट मी। डैड हिट मी। तेरा बेटा इस मेरे को टपकाने के वास्ते आया था अभी, और बोल रही है कि इसको छोड़ दूं मैं? एक काम ही नहीं, मैं पहले ही बोली थी मेरे को किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, फिर काई को पंगा लिया ये मेरे से? मार इसको, चल मार। क्या हुआ? तेरी तो अभी से ही टाई टाई फीस हो गई रे। ए बाबा ए चल चल पटापट खेल चालू कर, अब भी चालू हुआ था, मेरे को और मजा लेने का ही रे। मार इसको, मार ना। खुशी तुमने क्या किया? अभी तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे पिताजी कहां पर हैं। हम कार्तिक जी को कैसे ढूंढ पाएंगे अब? कामनी क्या तुम्हें पता है कि इस औरत ने कार्तिक जी को कहां पर छुपा के रखा है? आई हैव नो आइडिया, आई स्वेयर मुझे नहीं पता। आइए सर, ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लड़की जो बैंक में घुसती थी। अरे सर। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, देखिए आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, खुशी से ये सब मजबूरी में करवाया गया था। बैंक में जाने का है, गहने चुराने का है, तब तक मैं तेरे इन परिवार वालों पर नजर रखेगी, और अगर तू ना कामयाब हुई तो चाहेला फिर मैं तेरे एक एक परिवार के सदस्य को इसी कोयते से खत्म कर देगी। असली कल्प्रिट वो वहां से भाग के गई है। इंस्पेक्टर साहब, ताई इस वक्त इस लोकेशन पर है। मैं अच्छी तरीके से जानती कि ताई सब कुछ लेने के बाद भी हम सबको जान से मार देगी, इसलिए मैंने बैंक में चोरी तो की, लेकिन चोरी करने के बाद मैंने बैंक में अलार्म बजा दिया था और मैंने वहीं पर वेट किया पुलिस के आने का, ताकि मैं जब वहां से निकलूं तो पुलिस मुझे फॉलो करते हुए यहां तक पहुंचे। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि ताई की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? वो ट्रैकर जो ताई ने मेरे हाथों में पहनाया था ना, वो ट्रैकर इस वक्त ताई के उस बैग में है जिसमें गहने, और यहाँ से जल्दी जल्दी में निकलते वक्त ताई ने मेरे हाथ को नोटिस नहीं किया, और मुझे पूरा यकीन है कि ताई इस वक्त उसी जगह जाएगी जहाँ पर उन्होंने मेरे पापा को रखा होगा। तू झूठ बोल रही है ताई, मेरी खुशी ऐसा नहीं कर सकती, वो बहुत मुझसे प्यार करती है। तो मैं किधर इनकार की कि वो तेरे से प्यार नहीं करती? तुम लोग मेरे पे विश्वास नहीं करते ना, करके मेरे को बहुत गुस्सा आता है।
खरच बोल रही है, मैं झूठ नहीं बोल रही। अब काटे सब लोग सुरभि के माफिक नहीं होते ना कि हर कोई तेरे लिए अपनी जान दे दे। अरे माना कि ये खुशी तेरी और सुरभि की इच बेटी है, उसकी शक्ल सूरत भी उस सुरभि से मिलती है, पर ये जरूरी नहीं है कि वो तेरे वास्ते अपनी जान दे। मेरे को ना तेरा बहुत टेंशन है काटिया, सच्ची बोलती मैं। अभी मैं तो निकल जाएगी इधर से सीधा दुबई मैं जा करने के वास्ते। पंचायत तेरे बारे में सोच सोच के कि मेरे बाद तेरा क्या होगा करके मैं एक फैसला ले लिया। आज मैं तेरा फुल एंड फाइनल करीच डालेगी। प्लीज पापा मेरी मदद कीजिए, जैसे हर बार आपने मेरी मदद की है, इस बार भी मुझे कोई रास्ता दिखाइए पापा। खुशी क्या हुआ? अबीर मुझे कुछ याद है, पापा ने मुझे एक जगह के बारे में बताया था। तुम एक काम करो, गाड़ी मोड़ लो, अभी जल्दी चलना है वहां पे। ओके। खुशी तुम ऊपर जाओ, मैं इसे देखता हूं। हाँ खुशी खुशी तू जाए यहाँ से, बम लगा हुआ है, तू जाए यहाँ से। बस ताई, बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल, अब बच के कहाँ जाओगी तुम? हाँ किसने बोला, चाहे लम्बा तो तेरी खोपड़ी में ये गोली भी डालेगी और इधर से गायब भी होगी। नहीं 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 खुशी, गणपति पापा मोरिया, खुशी मत कर खुशी। जब मैंने कहा नहीं मतलब नहीं, मम्मा मुझे शराब। निशा नो। बड़ी उदास सी है आदित्य की जिंदगी, इस उदासी को क्या उस काम में बदल पाएगी वो? तुम बाबा को लेकर चलो, यहाँ प्रॉब्लम्स कहकर नहीं आती बस आ जाती हैं। बाबा ऐसी जिंदगी को क्या उम्मीद से सजा पाएगी वो अपना सा। 23 जनवरी से रात 10 बजे ZTV